तो भाई थर्ड फेज की वोटिंग यहां पर खत्म हो चुकी है और थर्ड फेज की वोटिंग के साथ हालत ऐसी हो चुकी है मोदी जी की कि अब वो अंबानी और अडानी को गालियां देना शुरू कर चुके हैं। अंबानी अडानी को टारगेट कर रहे हैं मोदी जी इस टाइम पर। बहुत बड़ी अपने आप में इस टाइम पर न्यूज है, लेकिन आगे चल के इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि थर्ड फेज में कितना मतदान इस टाइम पर हुआ है। अपने स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज पूरा यहां पर ब्यौरा दिया गया है। फर्स्ट फेज में 66.14%, सेकंड फेज में 66.71% और थर्ड फेज में 62.1%, यानी कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो गिरता चला जा रहा है। पहले से बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि हमारे अपने वोटर्स बाहर नहीं आ रहे और थर्ड फेज में तो ये परसेंटेज और भी ज्यादा कम हो चुका है। आखिरकार क्या यहां पर होने जा रहा है, ये जो पूरा मैच है और भी ज्यादा इसको लेकर के एक्साइटिंग हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये पूरा टर्नआउट सामने आने के बाद मोदी जी का जो ट्वीट निकल कर आया सबसे पहले, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोदी जी की पूरी लैंग्वेज ही चेंज हो चुकी है। ये काफी साइंस भी शो कर रहा है अपने आप में। अपनी स्क्रीन पे देखिए, ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैव वोटेड टुडे अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वोटर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हैव प्लेस्ड देयर फेथ इन द एनडीए एंड आवर डेवलपमेंट एजेंडा। इंडी अलायंस इज लूजिंग इवन मोर स्टीम थैंक्स टू देयर रिग्रेसिव इकोनॉमिक्स एंड आउटडेटेड वोट बैंक पॉलिटिक्स। मतलब यार, फर्स्ट फेज से पहले 400 पार मोदी की गारंटी, बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी, लेकिन थर्ड फेज की वोटिंग आते आते मोदी की गारंटी से एनडीए पर आ चुके हैं साहेब। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिला कर रख देगा। वही चीज जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी थी, मोदी जी थर्ड फेज के बाद इतने बौखला गए हैं कि वो अंबानी अडानी को यहां पर टारगेट कर रहे हैं। वो अडानी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद जिसको बीजेपी बचा रही थी, दिन रात बचा रही थी, हर तरफ से बचाने का काम कर रही थी, आज मोदी जी कह रहे हैं अंबानी अडानी के पास काला धन है। ये मैं नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं, जरा सुनो एक बार, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया, जरूर दाल में कुछ काला है। सोचो यार, मोदी जी तो अभी से यहां पर अपोजिशन के मोड में आ चुके हैं। अभी तक मोदी जी के ऊपर ये एलिगेशन लगता था कि उन्होंने अंबानी अडानी से पैसे लिए हैं या फिर वो उनको फेवर करते हैं। अब मोदी जी सेम एलिगेशन यहां पर कांग्रेस के ऊपर लगा रही है, आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है। वहीं दूसरी चीज सबसे बड़ी यहां पर ये भी है कि मोदी जी कह रहे हैं कि अंबानी अडानी का कितना काला धन जो है वो कांग्रेस के पास पहुंचा है, कितनी नोटों की गड्डियां कांग्रेस के पास पहुंची है। अगर अंबानी अडानी के पास मोदी जी काला धन था ही और आपको ये बात पता थी ही, तो आखिरकार आपने पिछले 10 साल के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं करी। अरे हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद आपने चू तक नहीं यहां पर बोली, बल्कि आपकी पूरी पार्टी अडानी को बचाने पे तुली हुई थी, आखिरकार क्यों। मोदी जी बोल तो बहुत सारी बातें रहे, लेकिन हालत इस टाइम पर इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि बैठे हुए एकदम से दौड़ने लग जाते हैं और दौड़ते दौड़ते एकदम से सो जाते हैं। ऐसी वाली हालत इस टाइम पर मोदी जी की हो चुकी है कंफ्यूज। आपको लग रहा है कि थर्ड फेज के बाद यही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यही एक बहुत बड़ा साइन है, तो ऐसा नहीं है। एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, सुधीर चौधरी ने थर्ड फेज की वोटिंग के बाद एक शो बना करके डाला ब्लैक एंड व्हाइट का। इस पूरे शो में सुधीर चौधरी ने सर्वेयर से कुछ सवाल पूछे और उनमें से एक सवाल में सुधीर चौधरी ने जवाब दे दिया कि आखिरकार इस टाइम पर हवा चल किसकी रही है, क्या इलेक्शन इस टाइम पर भी एक तरफा चल रहा है 2014 और 19 की तरह या नहीं। एक बार सुनो आखिरकार सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं। फर्स्ट राउंड हो चुका है, फर्स्ट जो है हाफ, कुछ तो बताइए, हमारे दर्शक डिसअपॉइंट हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आ रहे हैं? कम से कम सीटें भी हुई तो भी इतनी हो जाएंगी कि सरकार बन जाएगी, या आप कोई बहुत बड़ा उलटफेर देख रहे हैं? कम से कम सीटें हुई तो भी इतनी हो जाएंगी क्या कि सरकार बन जाएगी? एक्चुअली में डर ये सता रहा है कि अगर मोदी जी नहीं आए तो हमारे को आखिरकार बचाएगा कौन अपने झूठों से। इसी के अलावा आपको एक और दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी का पहली बार, पिछले 10 सालों में पहली बार फैक्ट चेक करा जा रहा है हमारे देश की मीडिया के द्वारा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एबीपी लाइव
कल शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद 7:30 बजे का एक ट्वीट है और इसमें ये लोग लिखते हैं कि पीएम मोदी मेक्स फॉल्स क्लेम्स दैट कांग्रेस इजंट कॉन्टेस्टिंग फॉर मेजोरिटी इन 2024 इलेक्शंस। मतलब मोदी जी का फैक्ट चेक किया जा रहा है। सोची भी नहीं होगी मोदी जी ने कि आखिरकार उनकी अपनी वफादार गोदी मीडिया इलेक्शन के शुरुआती दौर में ही इस तरीके से रंग ढंग बदल लेगी। और यार असली स्कैम तो यहाँ पर मीडिया वालों ने करा है। मतलब पिछले 10 साल मोदी 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 चलता रहा, अब एकदम से यहाँ पर फैक्ट चेक किया जा रहा है। क्या मोदी जी की कम सीटें अगर आई फिर भी वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे, इस तरीके की बातें करी जा रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा देश का मीडिया जो है बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक वैसे जैसे आदिवासी हेयर ऑयल के नाम पे भी स्कैम होता है, बहुत सारे स्कैमस्टर्स ऐसे जो कि रियल आदिवासीज की फोटो यूज करके एक फेक हेयर ऑयल बेचने का काम करते हैं और उसका नाम देते हैं आदिवासी हेयर ऑयल। ये पैसे तो कम लेते हैं लेकिन लोगों का कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि इनकी बॉटल्स के अंदर सिर्फ केमिकल भरे होते हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए फिर से इस बात को मेंशन यहां पर कर रहा हूं कि अगर आपको जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ में नंबर्स भी दे रखे हैं। यहां पर दिए हुए नंबर्स से और लिंक से जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल ही मंगवाओ और स्कैम से बचो, जैसे कि आप गोदी मीडिया के स्कैम से बचते हो इन स्कैम से भी बचो। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अभी साइंस यहां पर खत्म नहीं हुआ, अभी एक और आपको साइंस दिखाना चाहता हूं। थर्ड फेज की वोटिंग के बीच में ही एक बहुत बड़ी न्यूज सामने निकल कर आई एंड ये भी काफी ज्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। अपने स्क्रीन पर देखिए, हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायक ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लिया, अल्पमत में आई सरकार। सोचो यहाँ पर इलेक्शंस के बीच में हरियाणा में 2 हफ्ते बाद यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है और 2 हफ्ते पहले ही वहां पर सरकार जो है अल्पमत में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का लोग साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इनफैक्ट 5 महीने में वहां पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसके बारे में तो भैया बात छोड़ ही दो, विधानसभा चुनाव में तो पनौती लगती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन मोदी जी की डबल इंजन सरकार जहां पर चल रही है, आखिरकार वहां पर विधायक जो है मोदी जी की सरकार क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या ही रीजन हो सकता है, आप ही बताओ मुझे। इसको हम साइन की तरह ना देखें तो आखिरकार और क्या देखें। और अभी यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, एक और आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी बहुत बड़ी न्यूज है अपने आप में, अपनी स्क्रीन पर इसको देखिए। बैतूल में खबर सामने निकल कर आई, ईवीएम और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में आग लग गई एकदम से। हादसे में सभी कर्मचारी सुरक्षित, मतदान सामग्री को आंशिक नुकसान होने की खबर है। यानी कि अब मतदान की जो सामग्री होती है, क्या सामग्री होती है मतदान की, वही वाला उपकरण जिसमें बटन दबाओ कोई और दब जाता है बीजेपी का बटन, उस यंत्र को यहां पर आंशिक नुकसान होने की खबरें हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये भी एक रिटन स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, आप बताओ यार, खुद ही आप बहुत समझदार हो। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और जरा बात करना चाहता हूं मोदी जी की स्पीचेस के बारे में, क्योंकि यार इनकी स्पीचेस से ही पता चल रहा है कि इनकी कितनी बड़ी इस टाइम पर पनौती चींचा हो चुकी है। आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि आपको चुनना है वोट जिहाद या फिर राम राज्य। क्लियरली यहां पर धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लेकिन हमारे देश का चुनाव आयोग पूरी तरीके से सोतड़ मोड में है। भैया एक ताला खरीदो, इनके ऑफिस में ताला लगा कर आओ। सबसे पहले आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। कहानी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये नहीं तो ये करके देख लो, ये नहीं तो ये करके देख लो, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके अपने वोटर्स घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है डैश बनने के लिए। एक और सुनाना चाहता हूं आपको, जहां पर मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस वापस आ गई तो ये राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद का ताला लगा देगी। अबे यार ताला मतलब चुनाव आयोग को भेजो पहले तो। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। ये बात बोलते बोलते बाबरी ताला ना लगा दे, मोदी जी की जबान खुद लड़खड़ा रही है। चुनाव आयोग का वैसे तो कोई डर यहां पर है नहीं, लेकिन आजकल जो हालत चल रही है कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव आयोग मोदी जी के ऊपर भी बहुत बड़ा एक्शन ले ले यहां पर, क्योंकि मोदी जी तो खुद ही चुनाव के बीचों बीच सबसे किनारा कर रहे हैं, अडानी अंबानी से किनारा कर चुके हैं। लेकिन यार कितनी शर्म की बात है, एक ऐसा देश जो किसी भी चीज में किसी से पीछे नहीं है, हर चीज की कैपेबिलिटी इस टाइम पर इंडिया रखता है। उस देश का प्रधानमंत्री जो कि पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है, वो इस देश की उपलब्धियां नहीं गिना रहा इस टाइम पर, अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहा इस टाइम पर, बल्कि ये कह रहा है कि कांग्रेस इसलिए नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो आकर के राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद का ताला लगा देंगे। मेरे हिसाब से अगर मोदी जी की पॉलिटिक्स का सच में किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए तो मोदी अमित शाह को नहीं मिलना चाहिए, ना ही भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए मुगलों को। इनकी वजह से ही मोदी जी की पॉलिटिक्स चल रही है, नहीं तो मोदी जी 1-2 मिनट का भाषण भी नहीं दे पाएंगे। और यार कितने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं मोदी जी, मैं जरा आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्ममंथन करिए, सोचिए देश इतना आगे बढ़ रहा है, मोदी जी आप भी सोचिए, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो
तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए। और मोदी जी, सबसे पहले आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक तरफ जहां पर ये बोल रहे हो कि कांग्रेस जो है हमारे सबके पैसे छीन करके मुसलमानों में बांट देगी, वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि जब कांग्रेस थी तो मुसलमानों को आखिरकार क्या मिला? जब कांग्रेस के टाइम पर मुसलमानों को कुछ मिला ही नहीं है, तो कांग्रेस हमारे पैसे छीन कर मुसलमानों को कहां से दे देगी? मतलब डिसाइड कर लो क्या बोलना है। वही बात जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि बैठते बैठते एकदम से भागने लग जाते हैं और भागते भागते एकदम से सो जाते हैं, कंफ्यूजन की स्टेट में जा चुके हैं हमारे चाय वाली चीचा। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और मोदी जी ने यहां पर बात करी है प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। यस, मोदी जी ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन जो बात बोलनी है उससे अच्छा तो मोदी जी चुप ही रहते। जरा स्क्रीन पर इसको देखिए। प्रज्वल रेवन्ना जैसों के लिए जीरो टॉलरेंस नीति है, उन्हें देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटका सरकार ने दी है। अगर घटना गुजरात में होती तो गुजरात सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती। मोदी जी को पहले ये बता देना चाहूंगा कि प्रज्वल रेवन्ना जो है वो डिप्लोमेट पासपोर्ट पे इस टाइम पर देश से भागे हैं, और ये हमारे देश की सरकार के हाथ में होता है, कर्नाटका की सरकार के हाथ में नहीं होता। तो मोदी जी प्लीज ब्लेम गेम तो यहां पर मत खेलो। दूसरी चीज, अगर यहां पर जीरो टॉलरेंस है तो जेडीएस, जिस पार्टी से प्रज्वल रेवन्ना एक्चुअली बिलोंग करते हैं, उनके फादर बिलोंग करते हैं, उनके चाचा उनके दादा बिलोंग करते हैं, उस पार्टी से मोदी जी अभी भी आपने नाता क्यों जोड़ा हुआ है? जब आप एनडीए की बात करते हो तो एनडीए का पार्ट अभी भी जेडीएस है, आपने कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया। प्लीज यहां पर मनगढ़ंत झूठी बातें बोलना बंद कर दो। एक्चुअली मैं स्टेटमेंट भी बड़ी मजबूरी में निकल कर दिया है, आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल डंके बजने शुरू हो गए इसके ऊपर। अपने स्क्रीन पर देखिए, कल की ये हेरल्ड सन की न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया की न्यूज है, जहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया पीएम हैज लिंक्स टू मास रेपिस्ट। ये हेडलाइन छप करके आ रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसलिए यहां पर बैठकर मोदी जी इस टाइम पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं तो बात भी नहीं करते इसके बारे में। इसके अलावा एक और इंटरनेशनल डंका आपको दिखा देना चाहता हूं। जिन जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी उनको भैया इस टाइम पर पैनिक अटैक आने शुरू हो चुके हैं। अपने स्क्रीन पर देखिए, एस्ट्राजेनेका विड्रॉस कोविड वैक्सीन ग्लोबली साइट्स कमर्शियल रीजंस। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका के ही फॉर्मूला के ऊपर बनी हुई वैक्सीन थी, अपने कोई इंडिया वालों ने नहीं बनाई थी, एस्ट्राजेनेका ने फॉर्मूला बनाया था, उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। अब उसी एस्ट्राजेनेका ने ग्लोबली कोविड की वैक्सीन को विड्रॉ कर लिया है। कहा तो ये जा रहा है कि इसके बहुत सारे कमर्शियल रीजंस हैं, कमर्शियल रीजंस को साइट किया गया है। लेकिन थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि एस्ट्राजेनेका ने यूके की कोर्ट में ये बात मानी थी कि कोविड की जो वैक्सीनेशन है उसके रेयर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक, और उसके थोड़े दिनों में ही इस वैक्सीन को विड्रॉ कर लिया जाता है। मतलब कहानी जो है सेकंड क्लास का बच्चा भी यहां पर समझ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे देश में बैठे हुए कुछ लोग बोलेंगे कि मोदी जी ने सबको वैक्सीनेशन लगवा दी, फ्री की वैक्सीनेशन लगवा दी। अबे क्या लगाया वैक्सीन के अंदर, इसके ऊपर भी तो बात कर लो। वैसे शायद थोड़े दिन में ये लोग ये बात को मानना बंद कर दे, लेकिन जाते जाते आपको ये दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट। वैक्सीन फॉर ऑल फ्री फॉर ऑल, याद है आपको ये कैंपेन? सिर्फ मोदी जी की फोटो लगाई जाती थी, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में भी मोदी जी की फोटो लगाई जाती थी, और आज इन सब जगहों से मोदी जी जो है पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरी वैक्सीनेशन की जो है पोल पट्टियां खुलती चली जा रही हैं। कौन ओन अप करेगा अगर इस वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स है तो उनको? अब इसका जवाब आपको भी पता है और मुझे भी पता है, करना हमारे को सिर्फ इतना ही है कि आने वाले टाइम में इस तरीके के नेताओं को ना चुने जो अपनी जिम्मेदारियों से बच करके भाग जाएं। क्रेडिट लेने के लिए तो सामने आ जाएं, लेकिन किसी भी चीज में कोई अगर बहुत बड़ी क्राइसिस हो तो अपनी शक्ल छुपाने उससे लग जाएं। इसी साथ जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आदिवासी हेयर ऑयल स्कैम से आपको बचना है तो मेरे दिए हुए नंबर और लिंक से ही आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाओ, और मैं इसको यूज कर रहा हूं एक महीने से। मैं काफी बार बता चुका हूं कि रिजल्ट्स मुझे दिखने शुरू हो चुके हैं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।